मदन मित्रा सीबीआई के हिफाजत के जेल में बंद पड़े हुए हैं आज। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ना 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 राज्य सरकार का परिवहन विभाग छुकने जाए जिज्ञेस कर जिसको इंग्लिश में बोलता है कोमा में चला गया परिवहन विभाग। परिवहन विभाग को कोई देखने वाला नहीं है। राज्य सरकार का परिवहन विभाग पूरा कोमा में चला गया परिवहन विभाग। हम लोगों का आंदोलन वहां पर जाकर के वाई चैनल के पास तमाम टैक्सी चालकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जुलूस खत्म नहीं होने तक वाई चैनल में हम लोग आगामी दिन क्या करेंगे उसकी घोषणा हम लोग करेंगे। हम लोग टैक्सी चालकों के हित के लिए हम लोग लगातार 2011 साल से यूनियन गठन होने के बाद से हम लोग टैक्सी चालकों के हित के लिए लड़ाई हम संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग टैक्सी चालकों के हित के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के दमन नीति के खिलाफ राज्य सरकार के दमनात्मक रवैये के खिलाफ हम लोग आज टैक्सी चालकों का आवाज बुलंद होगा। अब ये आवाज हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास में भी ये आवाज को पहुंचा देना हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि टैक्सी चालक फिर आज से सड़क पर उतरे हैं और ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जरूरत से भी पड़ा तो आज एक दिन का हड़ताल किए हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग लगातार हड़ताल का हम लोग आह्वान करेंगे। हम लोग पूरा चक्का बंद कर देंगे। हम लोग पूरा चक्का बंद कर देंगे। टैक्सी चालकों पर जो जुलूम हो रहा है वे बंद के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। हम लोग जुलूस हम लोग फिर 2:45 शुरू करेंगे। जुलूस के आगे में हमारे यूनियन के जो नेतागण हमारे हैं वो जुलूस के आगे राज्य सरकार दायी क्योंकि আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। 7ই আগস্ট থেকে আন্দোলন চলছে। রাজ্য সরকার ট্যাক্সি চালকের সমস্যা নিয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। আমরা তার জন্য বাধ্য হচ্ছি রাস্তা আন্দোলন নামতে। আমাদের আন্দোলন ছাড়া বাঁচা কোনো আমাদের পথ নেই। আমাদের তাই রাজ্য সরকার আমাদেরকে বাধ্য করছে আন্দোলন যেতে। আমরা শুধু আজকেই নয়, আজকে আমরা ঘোষণা করবো এখানে একটা বড় আন্দোলন। এখানে একটা আমরা ধারাবাহিকভাবে আবার আজকে আরম্ভ করলাম। নতুন বছরে আবার ব্যাপক আন্দোলনের পথে আমরা যাব, সে ঘোষণা এখানে আমরা করবো। একই ইস্যুতে দুই জায়গায় আন্দোলন কেন? সেটা প্রেসকে কালকে পরশু বলেছি, আজকে বিরক্ত করো না। আজকে আমাদের ইউনিটি যেটা ছিল কি ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটা অবসান হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই আমাদের। আমরা ঐক্যবদ্ধ শুনো, ডিভোর্স যাকে বলা হয় পারমানেন্ট কোনো ডিভোর্স নেই। যদি সেটা যদি যদি বলো 22 বছরের নীতিশ কুমার লালু কিন্তু যে সম্পর্ক ছিল কিন্তু আবার তিনি এক জায়গাতে এসছে। রাজনীতিতে কোনো জায়গাতে কোনো ফুল স্টপ হয় না।
কেতনা বলে জানা।